दोस्तों आज यानी कि 2 तारीख को 12वीं वालों का एग्जाम था। फर्स्ट एग्जाम था दोस्तों 12वीं वालों का हिंदी पेपर। तो आज हम उनका रिव्यू लेते हैं कि 12वीं का जो एग्जाम था हिंदी कितना कठिन आया था, कितना टफ आया था। साथ ही साथ 12वीं के हम छात्र से पूछेंगे कि क्या कॉलेज के एग्जाम ऑनलाइन होना चाहिए, आपका क्या आंसर है। हम 12वीं वाले स्टूडेंट से पूछते हैं किस प्रकार से उसका एग्जाम गया, कैसे वो पास हो सकते हैं नहीं, पूरा डिस्कशन दोस्तों उस स्टूडेंट के साथ करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों वीडियो पर बने रहिए और चैनल पर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक कीजिए। तो दोस्तों यह 12वीं की स्टूडेंट, आपका क्या नाम है आप बता दीजिए अपना नाम। मेरा नाम रेणुका चंदेल है। तो आज आपको कौन सा परीक्षा था? आज मेरा हिंदी का पेपर था, मेरे को 20 सेट मिला है। तो कितने नंबर का था हिंदी का पेपर? 80 नंबर का था हिंदी का पेपर। तो टोटल कितना नंबर इसमें आने का चांस है आपका? मेरा इसमें 40 नंबर आने का। तो हम जानना चाहते हैं, जब सब लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे 12वीं वाले कि हमारा ऑनलाइन एग्जाम होना चाहिए, तब आप ऑफलाइन के पक्ष में थे कि ऑनलाइन के? ऑनलाइन के। आप ऑनलाइन के पक्ष में क्यों थे? क्या आपके स्कूल में पढ़ाई नहीं हुआ था? क्या आपके स्कूल में पढ़ाई बहुत घटिया तरीके से होता है? क्या आपके स्कूल में पढ़ाई ऑफलाइन नहीं हुआ? हमारे स्कूल में ऑफलाइन हुआ, हमारे स्कूल में अच्छे से पढ़ाया गया था। तो फिर आप ऑनलाइन क्यों चाहते हो, क्यों ऑनलाइन चाहते थे आप लोग? क्योंकि अभी बीच में लॉकडाउन हो गया तो था। तैयारी नहीं हुआ था। हाँ, तो फिर हाल आज का जो पेपर आपका हिंदी का, ये कठिन आया था कि सरल आया था? हिंदी का पेपर बहुत इजी आया था, हमको हिंदी का पेपर दिलाने में बहुत सरल लगा। तो आप सरल लगा, तो आप तैयारी अच्छा था आपका पहले से कि आप अभी अभी तैयारी किए हो? हमारी मैम अच्छे से तैयारी करवा दी थी, तो हमको हिंदी का पेपर दिलाने में बहुत अच्छा लगा। और बाकी स्टूडेंट तो कमेंट पर लिख रहे हैं कि उनका जो एग्जाम हुआ था ऑनलाइन होना चाहिए था 12वीं वालों का, तो उस पर क्या राय देना चाहोगे आप? बाकी स्टूडेंट कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग पढ़ाई नहीं किए थे, स्कूल में पढ़ाई नहीं हुआ था, कई लोग का स्कूल बंद था, पढ़ाई नहीं हुआ था, तो उन लोग ऑनलाइन चाहते थे, तो उन लोग का मांग पूरा होना चाहिए था 12वीं वाले स्टूडेंट का ऑनलाइन की नहीं? हाँ, मांग पूरा होना चाहिए था ऑनलाइन का, क्यों होना चाहिए था? क्योंकि उन लोग के स्कूल में पढ़ाई नहीं हुआ था, इसी कारण से उन लोग का ऑनलाइन मांग पूरा होना चाहिए था। तो आपकी हिंदी में टोटल कितने प्रश्न थे? हिंदी में 14 प्रश्न थे। तो आपने कितने हल किए पूरा पूरा? मैं पूरा कितने 12 की। अच्छा, 12 की है। तो कितने सेट मिला इस बार 12वीं में? 20 सेट मिला था मेरे को। कहा जा रहा है कि इस बार 12वीं में सी सेट को हटा दिया, क्या यह बात सही है? हाँ, ये बात सही है। ए सेट और सी बी सेट आपको इस बार मिला गया स्कूल में। और इस बार तो ऐसा भी सुनने को आ रहा है कि 12वीं का जो एग्जाम था सिर्फ और सिर्फ स्कूल में लिया गया है, अपने अपने स्कूल में जिस जिस स्कूल में जो जो पढ़ते थे उसी स्कूल में लिया गया है, इस पर क्या कहना चाहोगे, क्या ये सही है? हाँ, सही है। जिस जिस स्कूल में विद्यार्थी पढ़ते हैं उसी स्कूल में लिए हैं, तो हमको विद्यालय जाने के लिए बहुत ईजी लगा। और ज्यादा आप लोग को डर भी नहीं लगा होगा कि स्कूल में एग्जाम हुआ था? हाँ, नॉर्मल लगा, जैसे दिखाते हैं वैसे। इसके बाद कब एग्जाम है आपका, नेक्स्ट एग्जाम? इसके बाद इंग्लिश का एग्जाम है। तो इंग्लिश की तैयारी आप कब से स्टार्ट करोगे? इंग्लिश का तैयारी शुरू कर दी थी पहले से, और रिवीजन करना बाकी है। तो बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं, यूनिवर्सिटी ऐसे हैं, जैसे हमारे दुर्ग यूनिवर्सिटी, तो उनका परीक्षा भी नहीं हुआ है, तो उन लोग का परीक्षा ऑनलाइन की मांग कर रहे हैं, तो क्या हमारी जो गवर्नमेंट है उन लोग की ऑनलाइन मांग को पूरी करनी चाहिए? हाँ, गवर्नमेंट को ऑनलाइन मांग की पूरी करनी चाहिए, क्योंकि कॉलेज में पढ़ाई नहीं हुआ है। और क्या कॉलेज उन लोग का खुला था? नहीं खुला था कॉलेज, इसी वजह से ऑनलाइन होना चाहिए उन लोग का। हाँ, इसी कारण से ऑनलाइन होना चाहिए, क्योंकि कॉलेज तो खुला नहीं है, तो साल भर पढ़ाई हुआ ही नहीं है। तो दोस्तों ये रहा 12वीं का पेपर, हिंदी सेट भी मिला था, हमने लाइव आपके सामने इंटरव्यू लिया था छोटा सा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इंटरव्यू पसंद आया होगा। और इसका प्रश्न है दोस्तों, ये सेट भी है, टोटल ये 80 नंबर का है 12वीं का, इनका परीक्षा ऑफलाइन हुआ, इन लोगों को दोस्तों ऑनलाइन मांग में थे पूरा 12वीं वाले, सुप्रीम कोर्ट था दोस्तों इनको पूरा खबर गया था, लेकिन दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनका एग्जाम ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन होने नहीं दिया, और इनका टाइम टेबल जो है बहुत पहले से जारी हो गया था, लेकिन दोस्तों हमारे कॉलेज का जो एग्जाम है ऑनलाइन होने का फुल चांस है, क्योंकि इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी रायपुर में ऑनलाइन की डिमांड पूरी हो चुकी है। तो उम्मीद है कि हमारे जो यूनिवर्सिटी है, दुर्ग यूनिवर्सिटी, बिलासपुर यूनिवर्सिटी खासकर, और बस्तर यूनिवर्सिटी, सरगुजा यूनिवर्सिटी और बिलासपुर यूनिवर्सिटी, इन सभी यूनिवर्सिटीज में दोस्तों परीक्षा ऑफलाइन होगी, ऐसा कुलपति बोल रहे हैं वहां पर, लेकिन दोस्तों ऑनलाइन होगा, हम विरोध करेंगे और हम आपके साथ हैं, आप सब सपोर्ट कीजिए, तभी यूनिवर्सिटी का पेपर ऑनलाइन होगा। और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर का परीक्षा दोस्तों 7 या फिर 8 मार्च से स्टार्ट है, तो उन लोग का जब फर्स्ट पेपर होगा तो दोस्तों हमको समझ में आ जाएगा कि हमारा भी ऑनलाइन हो के ही रहेगा, और ऑनलाइन हम लोग कराएंगे दोस्तों, आप लोग बस सहयोग करना। और हिंदी का पेपर था दोस्तों, आप देख सकते हैं जो जो 12वीं में पढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों 12वीं का पेपर आज इजी आया था कि कठिन आया था, जो जो 12वीं की स्टूडेंट है हमें देख रहे हैं वो कमेंट करके बताएं, और 12वीं का या फिर 10वीं का नेक्स्ट पेपर कब है, नेक्स्ट एग्जाम कब है, कमेंट बॉक्स पर बनाएं।
और दोस्तों इस प्रकार से बेहतरीन लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बाजू वाले बेल आइकन प्रेस कीजिए। हमारा दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलें। मिलेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले तो जय हिंद जय भारत।